हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। सब लोग कैसे हो? हैप्पी धनतेरस। आज मैंने आप लोगों के लिए धनतेरस का दिन का ब्लॉग दिखा रही हूँ। वो धनतेरस वाले का दिन इधर मुजफ्फरनगर में ना, हमारा उधर घर के पास पास में मार्केट है, वकील रोड करके, उधर तनिष्क का शोरूम है। फिर हम लोग नो स्पिन देखने के लिए गए, तो नो स्पिन देखने गई तो फिर उधर का वैरायटी वगैरह आप लोगों को दिखाने के लिए वीडियो भी ले लिया। नहीं तो ऐसा ही जाके वीडियो लेना सही नहीं है ना। तो हम लोग गया तो सोचा आप लोगों को तनिष्क का वैरायटी भी दिखाती हूँ करके। फिर तनिष्क के बारे में सबको पता होगा, ऑल ओवर इंडिया में तनिष्क का शोरूम है। एक जगह से लिया तो दूसरा जगह से भी चेंज कर भी सकते हैं, दूसरा तनिष्क शोरूम से ही चेंज करना पड़ेगा। फिर उधर स्कीम भी अच्छा है, गोल्डन हार्वेस्ट करके एक स्कीम भी उन्होंने बना रखी है। अगर आप लोग तनिष्क में गया तो उसके बारे में वो लोग अच्छे से आप लोगों को बताएंगे। फिर हम लोगों को दिखाने के लिए उधर का एक सेल्समैन है दिव्यांशु करके, वो बहुत अच्छा एक एक ज्वेलरी के बारे में अच्छे से बताया, गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम के बारे में भी बताया। मतलब बहुत अच्छे से, अच्छा बिहेवियर हो तो सेल्समैन कैसा होगा, फिर भी हम लोग को अच्छा लगा क्योंकि फैमिली मेंबर का जैसा बात करती थी, हम लोग को ऐसा नहीं लगा, हमारा जो फैमिली मेंबर ही लगा उनको ना। बहुत अच्छे से सब ज्वेलरी के बारे में हमको बताया था, वो डेली वेयर वाला है, वो ये तो पार्टी में पहनना रहेगा, मतलब डेली में पहनने का कंफर्टेबल वाला दिखाया, पार्टी वेयर वाला दिखाया, सब अलग अलग दिखाया। हमने बोली हमको अभी कुछ ज्वेलरीज वगैरह लेना नहीं है, कल ही नो स्पिन लेना है डायमंड की, तो आपके पास है तो दिखाना। तो उन्होंने, उनके पास जितना नो स्पिन है वो सब दिखाया। तो फिर मैंने उनको बोली मेरा ये चांदी का नो स्पिन है, ये चेंज करके डायमंड का नहीं तो सोने का वगैरह लेना है करके। तो उन्होंने बोली अभी तो एक ही महीना हुआ ना ये नो स्पिन डाल के, तो कम से कम 2 महीना तक आप यही पहन के रखो, उसके बाद वो डायमंड वाला पहनना है, नहीं तो इसमें कुछ इन्फेक्शन वगैरह आया ऐसा कुछ हो जाता है ना, इसलिए ऐसा बोली। तो वो तो प्लान ही हमने बंद किया क्योंकि एक 2 महीने के बाद लेंगे करके। फिर कुछ और कुछ लेना है तो पूछा, तो हमने बोली इधर क्या क्या वैरायटी है, वो बोली आपको सब दिखाती हूँ करके, इयर रिंग का वगैरह वैरायटी, बैंगल्स का वगैरह वैरायटी, ऐसा सब उन्होंने दिखाया हम लोगों को। फिर अगर कई लोग तनिष्क में नहीं गया तो उनको तो पता चलता होगा ना ये वीडियो देख के, मतलब तनिष्क में कैसे डायमंड की वैरायटी होती है, गोल्ड का वैरायटी होती है करके ना, इसलिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए लिख आया है। मेरा वीडियो ना आप लोगों को अच्छा लगता है तो मेरा चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट भी लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में, शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। इसमें सब्सक्राइब करने में ना कई लोगों को लगता होगा पैसा जाएगा, नहीं तो सब्सक्राइब किया तो इनको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को ऐसा शौक है जो शॉपिंग करना ऐसा है ना, तो कुछ वैरायटी दिख रहे तो मेरे को लगता है फ्रेंड्स को दिखाना करके, मैंने स्टेटस में डाल के नहीं तो व्हाट्सएप में फ़ोटो भेज के उनको दिखाती है ऐसा वैरायटी ज्वेलरीज वगैरह, ये मंगलसूत्र वगैरह देखो ना, तो फिर उनके बारे में वो पूछते हैं कहाँ से लिया, मतलब ऐसा तो बहुत बोलना पड़ता है ना। तो मैंने सोचा मेरे को ब्लॉग करने का भी शौक़ है, तो ब्लॉग किया तो
यूट्यूब पे डाल दिया तो सबको देख भी सकते हैं। फिर हम लोगों को ये सेव करके मोबाइल में लैपटॉप में रखने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो यूट्यूब में हमेशा रहेगा। फिर फ्रेंड्स लोगों को तो थोड़ा हेल्प भी हो जाएगा ना, कई ड्रेस ले लिया फिर उसके बारे में भी बोल दिया तो उनको भी ऐसा चाहिए तो ले सकते हैं, ऐसा अच्छा लगता है ना। इसलिए प्लीज़ आप लोग जो देखते हैं ना वो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, उसमें आपका भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरा भी कोई फ़ायदा ऐसा भी नहीं है। तो मैंने मंगलसूत्र सब एक एक पहन के, ये वाला अच्छा लग रहा है ना। डायमंड थोड़ा कॉस्टली होते हैं तो मंगलसूत्र वगैरह कम से कम 1 लाख का आसपास है। तो हम लोग तो पहले सोच रहे थे ये डायमंड वगैरह पैसे वाला ही पहनती है, नहीं तो नॉर्मल साधारण लोगों को लेने में दिक्कत है, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी मैं ये वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ। आप लोग का अगर नोज पिन लेना है, नहीं तो रिंग इयर रिंग लेना है, रिंग लेना है, जो भी डायमंड का चीज़ लेना है, तो आप 1 लाख 2 लाख रुपए लेके जाने का ज़रूरत नहीं। आप हर मंथ में ये गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम में डिपॉजिट कर दीजिए। तो ऐसा तो 3,000 से स्टार्टिंग है ना। ऐसा आजकल तो लोगों के पास तो उतना तो हाथ में, मतलब लेना है तो ऐसा भी कर सकते हैं बोल रहे, ज़रूरत नहीं है, लेकिन कई लोगों को ऐसा शौक होता है ना, मेरे को एक डायमंड पहनना है करके, ऐसे वाले को भी पहन सकते हैं बोल रहे। मैंने ऐसा गोल्डन हार्वेस्ट स्कीम में आप हर महीने में डाल दीजिए, फिर वो एक साल के बाद अच्छा अमाउंट आ जाते है, उसमें से भी आपको ले सकती है। नहीं तो आपको नहीं लेना, अगर कुछ दिक्कत पड़ा नहीं लेना, पैसा वापस मिला तो वो भी मिल जाती है, ऐसे बोल रहे। उसके बारे में बहुत अच्छे से वो दिव्यांशु करके सेल्समैन है ना, हम लोग को अच्छे से बताया है। फिर अगर आप लोगों को चाहिए तो ही है ना, आप लोगों को अगर ऐसा लेना है तो कोई भी तनिष्क का शोरूम में जाओ, फिर आपको उधर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ऐसा है। फिर पहले तो डायमंड बहुत महंगा रहते हैं ना, अभी तो ये छोटा छोटा डायमंड रख के भी रिंग वगैरह बनाते तो उसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं रखता, क्योंकि डायमंड का पीस उसमें कम होता है ना। फिर बोलने में तो डायमंड रिंग है, लेकिन डायमंड बहुत छोटा पीस होते हैं उसमें, है ना। फिर ये पार्टी वेयर नेकलेस वगैरह है ना, ये जो शादी में रिसेप्शन में वगैरह, रिसेप्शन में वगैरह ना गाउन वगैरह पहनते हैं, तो ऐसा वाला देखो अच्छा लग रहा है ना। ये एक ही पहनना है, मतलब गाउन के साथ, साड़ी के साथ, उसके साथ में दूसरा ऑर्नामेंट्स पहनना ही नहीं है, एक ही पहनने में भी बहुत अच्छा लगता है। ये भी डायमंड है, ये भी अच्छा लगता है, मतलब ऐसा पहनने के बाद। ये 3 लाख बोले उन्होंने ना, एक ही नेकलेस का रेट है 3 लाख, डायमंड है ना इसलिए तो रेट भी इतना तो हो जाती है। फिर बैंगल्स भी है, डेली वेयर वाला बैंगल्स है, ये पार्टी वेयर वाला है, शादी वादी में तो एक ही पहनना है, 4-5 पहनने का कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही पहनो, अच्छा है ना। डिज़ाइन तो बॉम्बे डिज़ाइन है वो। फिर 5 तोले का हिसाब से आप रेट, आजकल का मार्केट रेट देख रहे तो आपको पता चलेगा कितने में हो जाएगा करके। फिर सॉलिड में तो गोल्ड का बैंगल है, वो भी 5 तोले का 2 है, लेकिन डेली वेयर है, आपने कैसे भी यूज़ करो, रफ यूज़ करने में भी वो कुछ नहीं होगा। दूसरा तो नया नया डिज़ाइन वाला तो थोड़ा दिक्कत पड़ता है ना पहनने में। ये मैंने पहली बार देख रहे हैं, लाल कलर की है, वो भी अच्छा मटेरियल है, कुछ बोलिए नाम वो मटेरियल का। फिर ऊपर वो इतना जगह पे गोल्ड बना रखी है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ऐसा लेने का प्लानिंग में नहीं गए ना, इसलिए तो लिया नहीं है।
मैंने सोचा मैं सब वैरायटी देखते हैं उसके साथ आप लोग भी मेरे साथ देख लीजिए, तो आप लोगों को अच्छा लगता है तो ले भी सकते हैं, है ना। इसलिए ये ज्वेलरी वाला वीडियो वगैरह मैं बहुत देखते हैं। ये भी डेली वेयर वाला है, ये भी अच्छा है, मजबूत है, तो दो तोले का है तो उतना तो उसका स्ट्रॉन्ग तो होता है ना। ऐसा है, ये सब पार्टी वेयर है। पार्टी वेयर लेने में तो यही है, वो पार्टी में ही पहन सकती है, शादी वादी में तो डेली वेयर का वो नहीं होगा ना। डेली पहनने में वो जल्दी ख़राब हो जाती है ना, वो तो सबको पता है। फिर शादी में जो सेट पहनते हैं ना, केरला में तो सेट नहीं पहनती है, अभी हम लोग फिर बाहर आ गया तो घर जाने के लिए। फिर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। फिर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हैप्पी दिवाली सब लोगों के लिए, हमारा तरफ से, हमारा फैमिली का तरफ से भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।